भुवनेश्वर निकटस्थ बरुणेरे खेळिबाकु जाउछि खोलिबाकु जाउछि आईआईजी रो क्रिकेट एकेडमी जोंथरे आर्ट स्टेडियम अभ्यास ग्राउंड आवासिक सुविधा सह अन्यान्य आधुनिक सुविधा जोगाइ दिया जिवो। ए क्रिकेट एकेडमी को भारतीय क्रिकेट दलर पूर्वतन कैप्टेन मोहम्मद आजारुद्दीन नेतृत्व नेबा सह परामर्श प्रदान करिवे। एक सांबादिक सम्मेलन रे क्रिकेटर आजारुद्दीन कहितले जे आईआईजी क्रिकेट एकेडमी रो मूल उद्देश्य होची जातीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर रे ओडिसार लुकायत क्रीडा प्रतिभा को लोकलोचन को आणिबा। ये एकेडमी देखिए आईआईजी स्पोर्ट्स एकेडमी है और केटीएस ग्लोबल स्कूल से मिलके कर रहे हैं, तो ये एकेडमी बिल्कुल मेरी मेंटरशिप में होगी और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस एकेडमी का मेंटर हूँ। हम लोग ये लास्ट ईयर से इस एकेडमी को स्टार्ट कर रहे थे बट लेकिन बिकॉज ऑफ थोड़ा कोविड की वजह से थोड़ा बैक पीछे होना पड़ा हमको। अभी कोविड ख़त्म हुआ है तो आज हमारा पहला सेशन था और काफ़ी लड़के आए हैं, भी ऑलमोस्ट क्लोज टू 50 लड़के आए थे वहाँ पे। मैंने 10 या 15 लड़कों को शॉर्टलिस्ट किया है। टैलेंट बहुत है लड़कों में और यंग यंग बच्चे, और आज मेरे ख्याल में थोड़े लड़के थोड़े ट्राइबल एरिया से और अंडर प्रिविलेज एरिया से भी आए थे, तो उनको भी हमने देखा है। उनमें भी बहुत टैलेंट है बट हमारी उम्मीद है कि मैं यही करना चाहूँगा कि इस अकेडमी से प्लेयर्स आगे निकले और ओडिशा क्रिकेट को आगे बढ़ाए, क्योंकि अगर एकेडमी से प्लेयर अच्छे लिखेंगे तो आप ओडिशा को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वहाँ पे अच्छा खेलेंगे तो उनके तो फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा यही इंटेंशन है कि जो नए नए जवान लड़के वो आएंगे तो उनको अच्छा ट्रेन करना और अच्छे फैसिलिटीज़ देना और अच्छा ही कोचिंग, क्योंकि उमूमन ये देखा जाता है कि जहाँ पर बहुत अच्छा टैलेंट रहता वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से तो वहाँ पर दिक्कत आती है। बाज़ लड़के बहुत इतने पुअर इतने गरीब होते हैं कि उनके पास कोई चीज़ होती भी नहीं है, जूते भी नहीं होते, बराबर इक्विपमेंट नहीं होता, बराबर ट्राउजर्स भी नहीं होते, तो उनको मेरे ख्याल में हम बिल्कुल हेल्प करेंगे। उनको ये बताएंगे कि आप लोग क्रिकेट में ज़्यादातर ध्यान डालें, भाई का उनका जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो घर के प्रॉब्लम हुए हम उसको बिल्कुल देखेंगे। अगर जो लड़का बहुत स्किलफुल है, एकदम स्किलफुल है, पता है कि वो आगे बढ़ सकता है, तो उनको हम प्रमोट करना चाहिए। गवर्नमेंट से भी हमारे को मदद चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी प्लेयर्स आइडेंटिफाई कर सकती है, क्योंकि उनके पास सिस्टम है, गवर्नमेंट के पास एक सिस्टम है, वो प्लेयर्स को जो आइडेंटिफाई करते हैं, जो स्किलफुल प्लेयर्स है उनको भी भेजेंगे तो हम बिल्कुल करेंगे। तो हमारा यही इंटेंशन है कि आईआईजी स्पोर्ट्स अकेडमी में यहाँ से प्लेयर अच्छा खेलें और अच्छा आगे बढ़ें और उड़ीसा का नाम करें, वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट।